फ्रेंड, मैं देव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन टूर इंडिया विद देव में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं वो दीवा रेलवे स्टेशन का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे बहुत भारी भरकम जो है काम चला हुआ है। और ये देखिए, दीवा स्टेशन पे जो है वर्करों के रहने के लिए शेड बने हुए हैं। और देखिए किस तरीके से, अभी दोपहर का समय हुआ है, आज हमने कोशिश करी है कि पूरा दिन से लेके आज रात तक, यानी ये सोमवार दिन और रात में क्या क्या काम होता है इसकी एक्टिविटी हम आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। और इसमें हमें सेंट्रल रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, और उनकी जितनी सराहना हो वो कम है, क्योंकि इनके वर्कर, इनके इंजीनियर दिन रात काम करके, जो मुंबई कर हैं, जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जो लोकल ट्रेनों से जो है यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को मंगलमय होने के लिए रात दिन काम पे लगे हुए हैं। फ्रेंड, तो इन्हीं की बदौलत हम जो है, अगर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन आगे के दिनों में अगर सही से और ऑन टाइम काम पे जा पाए, तो इसमें सभी इन लोगों का योगदान है। फ्रेंड, जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके के कंटेंट, यानी रेल रिलेटेड जो है वीडियो बार बार अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आप रेल रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी, या रेल रिलेटेड कोई अपग्रेड रहेगा, या रेल रिलेटेड कोई भी मेगा ब्लॉक रहेगा, उसकी जो जानकारी हम जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। पर हमने ये देखा है कि बहुत से लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड, इससे हमें डी एप्रिसिएशन मिलता है, और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमें जो है एप्रिसिएशन दें। हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये वीडियो को पहुँचाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फ्रेंड, अब हम जो है दीवा रेलवे स्टेशन से पैदल चल के जो है मुंब्रा की तरफ को जा रहे हैं, और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैकों पे किस चीज़ का काम जो है चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो काम है, जो गंगोत्री, जो एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन वैन है, जिसके ऊपर चढ़ के लोग जो है इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। फ्रेंड, आज का जो काम है, यानी जो सोमवार का जो काम है, हम डे नाइट इसको कैप्चर करेंगे सोमवार को, लेकिन हमने मोस्टली ये देखा कि सेंट्रल रेलवे ने जो है ट्रेनें थर्ड यानी सीएसटी की तरफ को जाने के लिए तेज लोकल, और फोर्थ लेन यानी सीएसटी से कसारा और अंबरनाथ की तरफ को जाने वाली जो लेन है, उसका काम मोस्टली जो है हो गया है, और रेलवे ने इसे चालू भी जो है कर दिया है। जैसा कि आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा, इन ट्रैकों पे जो है कंटिन्यू जो है ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन अभी भी जो है मेगा ब्लॉक जो है ऑन है। क्यों? क्योंकि रेलवे को फिफ्थ यानी सेंट्रल रेलवे से जो एक्सप्रेसें हैं, जो थाने के बाद पारसिक टनल से होते हुए दीवा, कोपर, डोंबुली, कल्याण की तरफ को जाएंगी, उनका काम जो है पारसिक, क्योंकि अभी तक हमने आपको बोला था कि थर्ड एंड फोर्थ का काम चल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ का काम तो चल रहा था, और उनका काम बेसिकली थाने पे जब पारसिक टनल की बजाय थर्ड और फोर्थ लाइन को कलवा और मुंब्रा से जो गुजारा जाएगा, तो उसकी कनेक्टिविटी का काम था, बाकी बीच में मुंब्रा के आसपास बहुत काम था, और वही सेम टाइप का काम जो है दीवा पे था, क्योंकि जब थर्ड और फोर्थ लाइन को फास्ट ट्रेनें गुजारने के लिए मुंब्रा कलवा से करेंगे, तो उनकी वहां पर जॉइंटिंग का काम, बहुत सारा काम जो है पेंडिंग था, जो अब फुल्ली जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी मेगा ब्लॉक है, जैसा हमने बोला। क्यों है? क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ लेन का काम अभी भी दीवा और कोपर के बीच में जो है बहुत सारा पेंडिंग था, लेकिन सेंट्रल रेलवे ने पूरी सोमवार के दिन और रात मेहनत करके इस काम को जो है कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में जो है पूरा दिखाऊंगा,
देखिए अभी मैं जो है मुंब्रा की तरफ को ऊपर को गया था, वहां पर बहुत सारा काम फिफ्थ और सिक्स्थ लेन का है। ये फिफ्थ और सिक्स्थ लेन क्या काम करेगी, ये थाने के बाद जो मुंब्रा में पारसिक टनल है, पारसिक टनल से जो है एक्सप्रेसों को अलग अलग प्रदेशों में जाने के लिए जो है गुजारा जाएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी पहले दीवा से थर्ड एंड फोर्थ में थी, लेकिन अब फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन अलग होने से ये सीधा मुंब्रा जो पारसिक टनल है उससे होते हुए कोपर डोंबुली, डोंबुली में ऑलरेडी काम हो चुका है कोपर और डोंबुली में फिफ्थ और सिक्स्थ लेन का, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी दीवा के आसपास जो है नहीं हुई थी। और जैसा कि आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी काम कर रहे हैं। आज जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिन और रात हम कैप्चर करके आपको दिखाएंगे, ये देखिए किस तरीके से लोग जो है काम कर रहे हैं। फ्रेंड आज जब मैं यहाँ पे दिन पे आया था तो मैंने एक प्रण किया था कि मैं आज रात को जो है यहाँ पे जरूर आऊंगा कैप्चर करने के लिए कि आखिर किस तरीके का काम हो रहा है। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि फ्रेंड जब मैं यहाँ पर दिन में आया था तो पूरे जो रेलवे ट्रैक थे, चाहे वो 5 नंबर हो, 6 नंबर हो या 4 नंबर हो, वहाँ पर ऐसा माहौल था कि जैसे किसी की शूटिंग हो रही है फिल्म की। सारी जो रेल की पटरियां हैं उन पे हाइलोजन हाइलोजन थे, जैसे कि आपने फिल्म शूटिंग में देखा हुआ जो सेटअप होता है लाइट का, इस तरीके का माहौल था। और हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे, भाई मन करे भी क्यों नहीं, गदगद होए। इन लोगों की अखंडता, इन लोगों के काम करने का जज्बे को लेकर हमें जो है प्रण किया। और देखिए हमने प्रण ही नहीं किया बल्कि हम रात में जो है आ भी गए। अभी हम देखिए दीवा से जो है कोपर की तरफ को जा रहे हैं और इसके बाद हम जो है मुंब्रा की तरफ को फिर से जाएंगे, देखेंगे वर्करों का काम कितना हुआ है या वर्कर लोग अपने घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या, क्या सेंट्रल रेलवे का काम पूरी तरीके से हो गया है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि सेंट्रल रेलवे जो है अपने काम को हमेशा टाइम से पहले ही पूर्ण कर देती है। फ्रेंड पिछले वीक में भी हमने देखा कि सेंट्रल रेलवे ने 24 घंटे का जो है मेगा ब्लॉक लिया था, लेकिन रेलवे 12 से 15 घंटे में ही मेगा ब्लॉक को कंप्लीट कर देती है। इसलिए इनके वर्करों की, इनके इंजीनियरों की हमें हमेशा सराहना करनी चाहिए। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं कोपर के निकट को आगे जा चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे वर्कर भी यहां दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये फिफ्थ और सिक्स्थ लेन का जो काम है, अभी आगे हमने देखा कि वर्कर नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन सारा काम जो है नीचे की तरफ को हो रहा था। हमें 10-15 मिनट जो है वॉकिंग करके जाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपके लिए वीडियो बनाना था, हमें जाना ही होगा। ये देखिए किस तरीके से पुरुष, किस तरीके से महिलाएं अपने काम को जो है जज्बे से कर रहे हैं। आप देखिए वो दूर देखिए, मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ है, आप देखिए रेलवे की ड्रेस पहने हुए लोग हैं और ये रेडियम वाले कपड़े आपको दिख रहे हैं जितने भी साइनिंग में। आगे को बहुत काम चला हुआ है, रात का सीन है, क्योंकि ट्रेनों को जो है यदि ट्रैक पे कोई भी वर्कर अगर गलती से चल रहा होगा तो उनको ये दिख जाएगा कि नहीं भाई आगे खतरा है, आगे हमारे लोग काम कर रहे हैं, आगे हमारे रेलवे के लोग काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से काम चल रहा है और ये देखिए किस तरीके से एक व्यू हमने कैप्चर किया है। दो दो ट्रेनें जो हैं रात को, ये देखिए तीसरी ट्रेन भी, कितना खतरनाक होता है पटरियों को पार करना। इसलिए हम लोगों से ये बोलेंगे कि पटरियों को पार न करें और ब्रिज का इस्तेमाल करें। ये देखिए धीरे धीरे जैसे रात के 1 बजने लग गए तो जो वर्करों को रहने के लिए दीवा स्टेशन पे जो सेट बनाए थे अब वो भी जो है निकलने लग गए, क्योंकि अब वर्कर धीरे धीरे अपने घरों को जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर मुंब्रा की तरफ को भी हमने एक लुक लिया और देखा कि आगे क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं 72 घंटे काम करके या बहुत सारे लोग 36 घंटा काम करके देखिए किस तरीके से अपने घरों को जा रहे हैं और किस तरीके से अभी भी बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। फ्रेंड ये जज्बा देख के मुझे बहुत, मेरा मन जो है ना गदगद हो रहा है। ये देखिए अभी एक जो लोकल गई ऊपर के लिए, ये देखिए ये फास्ट लोकल भी नीचे के लिए आई, तो देखिए इन सब लोगों की मेहनत का ही ये परिणाम है। जब ये लोग रात भर काम कर रहे हैं तभी जाके हम लोग चैन से अपनी यात्रा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से काम हो रहा है रात को।
अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन ये लोग कंप्लीट करेंगे, ये लोग काम करके ही जाएंगे। ये देखिए अभी होना क्या है, दरअसल देखिए अभी एक एक्सप्रेस गई जो कि 3 नंबर से नीचे को गई। अब जो काम हो रहा है वो देखिए, वो 4 पे सीएसटी की तरफ को जाएगी, और जो 5 और 6 है जो पारसिक टनल से सीधा बाईपास हो जाएगा, उसका काम देखिए ये चालू है। फ्रेंड अब धीरे धीरे ये लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, और अब जो है रात के 1 या 1.5 बजने को आ गया है। हम भी ये कोशिश करेंगे कि अपने घर को जाएं, और फिर कल सुबह प्रातः किस तरीके से तेज लोकल जो है दीवा स्टेशन से सीएसटी की तरफ को दौड़ेंगी, उसका एक नज़ारा दिखाएंगे। देखिए उन लोगों की जो रात और दिन कठिन परिश्रम का जो नतीजा है वो ये है। सामने देखिए किस तरीके से कलुआ टनल को जो है ट्रेन चीरती हुई निकल रही है। जब रात को हमारे गदगद हो रहा था दिल, उसी भाव के साथ ये ट्रेन जब जा रही है, वाह। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।